लोकसभा चुनाव 2024 भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते कल अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा, अयोध्या। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बीते कल फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ संसद पहुंचे। अखिलेश यादव फैजाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोकतंत्र रक्षक सेनानी अवधेश जी खड़े हैं, ये है राजा अयोध्या। इस बयान पर भाजपा हमलावर हुई, जिसके चलते अयोध्या भाजपा जिलाध्यक्ष संजू सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो या कोई और, अयोध्या का राजा नहीं हो सकता है। यह अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन है। ये देखिए, अखिलेश यादव जी का ये मानसिक दिवालियापन है। अयोध्या के राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनके पूर्वजों का नाम इतिहास में दर्ज है, और भगवान राम के बाद अयोध्या का राजपाट अगर किसी को दिया गया तो वो हनुमान जी महाराज को दिया गया, और इस कलयुग में भी जीवंत देवता के रूप में हनुमान जी महाराज अयोध्या में साक्षात हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ पर विराजमान होकर अयोध्या की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई अवधेश प्रसाद या कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अयोध्या का राजा हो ही नहीं सकता, यह अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन है। साथ ही इस दौरान अयोध्या के वकीलों ने भी अखिलेश यादव के बयान की निंदा करते हुए विरोध जताया है। नहीं, ये जो बयान दिया अखिलेश यादव जी ने, गलत बयान दिया है। अवधेश जो है अयोध्या के राजा थोड़ो हो सकते हैं। राजा जो होता है वो राजघराने का होता है, जैसे यहाँ पे राजा दशरथ थे, उनके और कुल थे, राजा रघु थे, अज थे, उनके पुत्र श्री रामचंद्र जी वो भी राजा थे। राजा वो होते हैं राजघराने के होते हैं कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हो गए। अरे, जनता यहाँ नाराज थी यहाँ के सांसद से, यहाँ के बीजेपी के जो सांसद थे वो किसी सुनते नहीं थे, इसलिए जनता यहाँ की नाराज थी, उनसे व्यक्तिगत नाराज थी। अगर उनकी जगह पर कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो देश प्रसाद सफल ना हो पाती। लेकिन जो ये अखिलेश यादव जी ने कहा, ये गलत बयान कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मर्यादित अमर्यादित भाषा है। अयोध्या में राजघराने का जो महत्व है वो अयोध्या राजा श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है। अयोध्या के जो दूसरे राजा हैं बिमलेंद्र प्रताप मिश्र राजा भैया हैं, वो राजघराना है। और अयोध्या का राजा जो संबोधन किया उन्होंने अवधेश प्रसाद जी को, वो अपने पीडीए के खिलाफ बात किया। जब सामंत शाही का जहाँ घोतक होता है वहाँ राजा रजवाड़ा लगता है, और अवधेश जी को जो राजा बताया गया वो पीडीए के खिलाफ बात है। उनको अवधेव जो है वो अखिलेश जी को पूरा अयोध्या के बारे में जान नहीं है, और पढ़े हो भगवान राम के अलावा आज तक यहाँ कोई राजा अयोध्या में हुआ नहीं। राम ने स्वयं कहा था कि यहाँ हमारे बाद कोई राजा है ही नहीं है, ना होगा। वो गलत बोल रहे हैं, उनको अकल नहीं है। वो कई बार मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, फिर अलावा ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे दुख है। और यहाँ की जनता ऐसी है ना कि 14 भाषा ज्ञाता नरेंद्र जी जो थे उनको जब हरा दिया तो कोई कहने की बातें नहीं। यहाँ अयोध्या की जनता है, अयोध्या भगवान राम की नगरी है, यहाँ राम के अलावा कोई राजा आया नहीं। अवधेश जैसे कई लोग आए चले जाएंगे, वो उनका अहम आ गया है, अखिलेश और का अहम आ गया है, बड़ा अहम आ गया है। उनके बाप ने जो है यहाँ अयोध्या में गोलियाँ चलवाई, तमाम राम भक्तों को जो है शहीद हुए हमारे सामने, तो उनका अहम आ गया है। आने वाले आगामी चुनाव में हम अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर इस तरह का बयान अखिलेश दे रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। राजा तो एक ही होता है, और अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, उनके अलावा कोई और राजा नहीं हो सकता। और इस तरह का तुच्छ बयान देना ये अशोभनीय है, निंदनीय है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वो चुनाव जीते हैं तो चुनाव तो 5 साल का होता है, उसके बाद फिर दूसरा हो जाता है। लेकिन किसी को इस तरह से कह देना कि अयोध्या के राजा आप हैं, तो अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र के अलावा कोई नहीं हो सकता, ये अखिलेश सपना छोड़ दें अपना। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।